गुना केंद्रीय विद्यालय में नए विद्यार्थियों के स्वागत में विद्यारंभ संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्राचार्य विनोद राजौरिया व अतिथि नीतू शर्मा मैडम द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती जी की मूर्ति पर पुष्प माल्यार्पण कर कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ किया गया। योगाचार्य महेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में स्वागत गीत के साथ प्राचार्य और नए बच्चों का स्वागत किया गया। उसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा कविता नृत्य प्रस्तुति गीतों व अपने विचारों के माध्यम से विद्यालय के नियम रेगुलेशन और विद्यालय में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराया, जिसमें खेलकूद से संबंधित, योगासन से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित, चित्रकला से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित नए विद्यार्थियों को अवगत कराया, जिसमें मंच संचालन का कार्य राजेश प्रजापति सर द्वारा किया गया। आज केंद्रीय विद्यालय गुना में विद्यारम्भ संस्कार महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें जो नए विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उनका स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटी की जाती है उनके स्वागत में, जिसमें नृत्य का आयोजन किया गया, कविताएं बच्चों द्वारा गाई गई और विद्यालय की जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं उनसे उनको अवगत कराया गया, जिससे कि विद्यार्थी विद्यालय को अच्छे से समझ के और अपने जीवन में विद्यालय के जो नियम कानून को अच्छे से अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ सके। साथ में ही विद्यालय में वर्तमान में अभी खेलों की एक्टिविटी भी चल रही है, योगासन की एक्टिविटी चल रही है, जिससे कि विद्यार्थियों का भी ट्रायल लिया जा रहा है, उन विद्यार्थियों को जो अच्छी श्रेणी के हैं और जो सभी का परफेक्ट तरीके से उनको नेशनल और इंटरनेशनल और रीजनल से लेके इंटरनेशनल तक खेलों में भी आगे बढ़ाने के लिए अभी ये गतिविधियाँ चल रही हैं। बहुत जल्दी विद्यार्थी विद्यालय से बाहर भी खेलों में खेलने के लिए जाएंगे। मैं योगाचार्य महेशपाल, केंद्रीय विद्यालय गुना से। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।